हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गुमेंट के बारे में ये डिस्कस कर लिया था कि आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब उससे आगे पढ़ते हैं थोड़ा। तो देखिए, जैसे ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस ली, ठीक है। अब ये वाला तो था रियल एक्सेस, इसको रियल एक्सेस कहा था, इसे कहा था हमने इमेजिनरी, ये वाला इमेजिनरी एक्सेस। अब इस रियल एक्सेस पे जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे रियल एक्सेस पे, जैसे देखो मैंने ये बनाया, तो अब इसके ऊपर इधर जितने भी पॉइंट होंगे, ये सब इनके अगर आर्गुमेंट की बात करें, इन सभी पॉइंटों की, तो इन सब का आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट क्या बताया था कि उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें और पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा है ना, उस एंगल एंगल का टेंजेंट, या सॉरी जो एंगल बनेगा वही एंगल ही तो क्या होगा, आर्गुमेंट होगा या एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट को अगर मैं देखो ओरिजिन के साथ ज्वाइन करूँ, इस पॉइंट को, जैसे इस पॉइंट को मैंने ये ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया ऐसे, तो एंगल कितना बना, जीरो बना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर इस ये जो है जितने भी पॉइंट हैं पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर, जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उन सब का एम्पलीट्यूड। ये बात समझ में आ गई। और अब बात करें कि ये जो है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, इन सब का अगर मैं एम्पलीट्यूड फाइंड करूँ, तो इनको मैंने ये ज्वाइन कर दिया इस ओरिजिन के साथ, ये एंगल बना, तो ये एंगल कितना, पाई बाय टू। तो इसका मतलब पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस इस पे जितने ही पॉइंट होंगे इन सब का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, पाई अपॉन टू हो जाएगा। सेम इसके ऊपर जितने ही पॉइंट हैं ये, इनका अगर मैं एम्पलीट्यूड फाइंड करूं, तो इनको मैंने क्या किया, ये ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो अब इनका एंगल क्या बनेगा, इनका ये एंगल बनेगा पूरा ऐसे, और ये एंगल कितना हो गया, पाई। तो यानी नेगेटिव रियल एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का एम्पलीट्यूड क्या होगा, पाई होगा। अब आते हैं इस पे, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस इस पे जितने भी पॉइंट है, इनका आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए इसको देखो ये ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो ये एंगल बना, ये एंगल यानी माइनस का पाई अपॉन टू। तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस का पाई अपॉन टू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो जैसे कहा कि टू का एम्पलीट्यूड बताओ, टू थ्री वन पॉइंट फाइव हंड्रेड, इन सब का एम्पलीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इधर हैं इस साइड में, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करते हैं ये सब। सेम अगर मैं कहूँ कि माइनस वन माइनस टू, माइनस का टू पॉइंट वन टू फाइव, ये माइनस का थ्री माइनस वन जीरो, ये इन सब का एम्पलीट्यूड कितना होगा, इन सब का एम्पलीट्यूड पाई होगा, क्योंकि ये सभी नंबर रियल नंबर है लेकिन इस पे लाई करते हैं, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इन सब का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ऐसे ही आपसे ये पूछें कि ये बताइए आयोटा, टू आयोटा, थ्री आयोटा, हंड्रेड आयोटा, या टू पॉइंट फाइव टू वन आयोटा, इतना इन सब का एम्पलीट्यूड, तो इन सब का एम्पलीट्यूड क्या होगा, पाई अपॉन टू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सभी पॉइंट किस पे लाई करते हैं, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं। तो जितने भी पॉइंट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे उन सब का एम्पलीट्यूड क्या होगा, पाई अपॉन टू होगा। ऐसे ही अगर कहें कि माइनस आयोटा, माइनस थ्री आयोटा, माइनस हंड्रेड आयोटा, माइनस का हंड्रेड पॉइंट वन जीरो टू थ्री, हंड्रेड पॉइंट वन जीरो टू थ्री आयोटा, तो ये सभी पॉइंट किस पे लाई करेंगे,
ये सभी पॉइंट इस पे लाई करेंगे, इस वाले पे, यानी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस इस पे लाई करेंगे। तो फिर इसका इनका इन सभी का एम्पलीट्यूड कितना होगा? माइनस का पाई अपॉन टू होगा। यानी ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हम डायरेक्ट बता सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? कि उनको ज्वाइन किया और देखा एंगल कितना बन गया। तो अब आप तो ये याद रखिए कि इस पे जितने भी पॉइंट होंगे इन सब पे, उनका एम्पलीट्यूड जीरो होगा। इस पे जितने ही पॉइंट होंगे इस पे, तो उनका एम्पलीट्यूड पाई अपॉन टू होगा। सिमिलरली इस पे जितने भी पॉइंट होंगे इस पे, उनका एम्पलीट्यूड पाई होगा। फिर इस पे जितने भी पॉइंट होंगे ये, इनका एम्पलीट्यूड माइनस का पाई अपॉन टू होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अब एक जीरो की बात करें। अगर जीरो 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 का अगर मैं कहूँ एम्पलीट्यूड बताइए, तो आप क्या बताओगे? जीरो को एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या आती है? कि जो भी पॉइंट है उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया और फिर देखा पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, है ना? तो इसमें पॉजिटिव, जैसे मैं अभी ये फिगर मैंने बना रखा था ऊपर, जैसे मैं कहूँ इसका ये पॉइंट है, इसको ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा तो ये तो यही पॉइंट खुद ही ओरिजिन ही है। ज्वाइन करूँगा तो कोई लाइन तो बनेगी नहीं, यानी कोई रेडियस वेक्टर नहीं होगा, कोई रेडियस वेक्टर नहीं होगा तो एंगल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो क्या होगा? डिफाइन ही नहीं होगा। यहां लिखेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो, या एम्पलीट्यूड जीरो, या फिर ऐसे लिख दिया चलो, या फिर ऐसे लिख दिया देखो कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कह दो या आर्गुमेंट कह दो, एम्पलीट्यूड ऑफ जीरो नॉट डिफाइन, यानी जीरो का एम्पलीट्यूड डिफाइन ही नहीं होता। जीरो का अगर मैग्नीट्यूड पूछ लें तो जीरो का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, है ना? क्योंकि मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन क्या थी? कि पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें तो जो लेंथ होगी वो होगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड तो क्या हुआ? नॉट डिफाइन हो गया बस। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट वगैरह के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब चलते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है? तो चलिए रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी नेक्स्ट स्टडी। तो इसमें सबसे फर्स्ट मेथड आता है, पहला मेथड है एल्जेब्रिक मेथड बोल दो, या फिर कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, इसको हम एल्जेब्रिक फॉर्म भी बोल देते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्म। फिर सेकंड होगा हमारा देखो कि पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा ये मेथड है रिप्रेजेंट करने का। फिर थर्ड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक और होती है वेक्टोरियल फॉर्म, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। और है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल दो या वेक्टोरियल फॉर्म बोल दो। वेक्टोरियल फॉर्म यानी वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना।
चलिए अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब है कार्टेशियन फॉर्म का, एल्जेब्रिक फॉर्म का इसका, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। फर्स्ट आता है फर्स्ट कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें देखिए, इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा वाई, इस तरह। तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कार्टेशियन फॉर्म है। इसमें होगा क्या, एक्स तो क्या होगा, उसका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड वाई क्या हो जाएगा, वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। और मोड ऑफ जेड की कहें, यानी जेड का मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लिखते हैं इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड इसका और उसके प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इस पूरे का और उसके इसके रूट है इसका। एंड ऑर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करूँ, अगर ऑर्गूमेंट ऑफ जेड तो क्या लिखूंगा, या ऑर्गूमेंट नहीं, एम्पलीट्यूड लिखते हैं, एम्पलीट्यूड कि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की बात करूं तो क्या लिखेंगे हम, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, ठीक है। ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। हालांकि एम्पलीट्यूड निकालने का मेथड वही रहेगा, ये तो बस मैंने लिख दिया इसमें कि क्या होता है। तो ये तो है कार्टेशियन फॉर्म, सिंपल ही है जो अब तक हम लिखते आए हैं। जैसे हमने लिखा वन प्लस टू आयोटा, या लिखा हमने थ्री प्लस टू आयोटा, तो ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म ही थी यहाँ। तो इसमें नया कुछ है नहीं हमारे पास, सेम वही है चीज़ें जो पहले पढ़ रहे थे। अब आते हैं सेकंड पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर इसको हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, पोलर फॉर्म। अब ये है सेकंड। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है क्या, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू आर इन टू में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इस टाइप से। वेयर, यहां पे इसमें दो चीजें आई, एक तो आर और एक थीटा। आर क्या है, आर है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, एंड व्हाट अबाउट थीटा, थीटा ऑर्गुमेंट या कह दो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये थीटा है। यानी मैग्नीट्यूड चाहिए है ना, मोड ऑफ जेड कह दो, या फिर सॉरी मोड ऑफ जेड बोल दो या फिर उसको आर बोल दो, एक ही बात है। मोड ऑफ जेड ही क्या होता है, आर होता है। और थीटा क्या चीज है, इसमें थीटा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। अब जैसे ये बनाया, जैसे हमने देखो, जैसे ये जेड है, जेड हो गया आर कॉमा थीटा। अब इसमें दो चीजें हैं आर, तो इसका मतलब इस पॉइंट को अगर मैं इससे ज्वाइन करूं, ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये तो हो गया आर, इतनी डिस्टेंस। और थीटा, व्हाट अबाउट थीटा, थीटा ये हो गया, ये थीटा हो गया, जेड इक्वल टू आर कॉमा थीटा। थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये मतलब है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए, या कह दो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए, हमें भी तब भी दो ही चीज़ें चाहिए। दो चीज़ें कौन सी चाहिए, एक तो चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और एक चाहिए उसका एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये है, एग्जाम्पल के लिए जेड इक्वल टू है वन प्लस आयोटा, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, रूट टू आएगा। और फिर मैंने इसका एम्पलीट्यूड निकाल दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वो कितना आएगा, पाई अपॉन फोर आएगा। अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकाला, टेन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ वाई अपॉन मोड ऑफ एक्स, एंड वाट इज मोड ऑफ वाई, वन दोनों एक्स और वाई वन वन है, तो टेन टेन अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन फोर, अल्फा की वैल्यू टेन अल्फा इक्वल टू वन, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू पाई अपॉन फोर, अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन फोर आई, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, पाई अपॉन फोर आ गया।
अब इसको अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ, ये तो कार्टिजियन फॉर्म थी, अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें लिखूँ, किसमें, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ये थी आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो फिर आर की जगह तो क्या आ जाएगा, रूट टू आ गया, फिर कोस थीटा की जगह कोस पाई अपॉन फोर प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन फोर, रूट टू कोस पाई अपॉन फोर प्लस में आयोटा साइन पाई अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। यानी अगर ऐसे लिख दिया, ये वन प्लस आयोटा ही है, देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, वैसे लिखना तो इतना ही है ये पोलर फॉर्म इतना ही, लेकिन अब बाई चांस किसी के दिमाग में ये आया कि चलो सर सोल्व कर दो इसको आगे, कोस पाई अपन फोर की वैल्यू पता है 1/√2 प्लस में आयोटा साइन पाई अपन फोर, इसकी वैल्यू भी पुट कर दी 1/√2 किसी ने, तो रूट टू एलसीएम ले लिया, फिर 1+√2, फिर कहा कि रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया तो यह आ गया 1+आयोटा, फिर कोई कहेगा ये तो वापस वही आ गया, हाँ तो वो तो आएगा ही, क्यों, क्योंकि हमने लिखा तो उसी को ही है भाई, इसको तो हमने पहले कहा था ये कार्टिजन फॉर्म है, इट इज़ कार्टिजन फॉर्म, इसी को लिखने की ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक कह दो या पोलर कह दो, पोलर फॉर्म है, तो यहीं तक लिखना है, कहाँ तक, केवल यहीं रूट टू कोस पाई अपॉन फोर, क्योंकि अगर आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो आप फिर वापस वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, तो इतना ही लिखना है, और यही आपको बताया है कि पोलर फॉर्म क्या है, ये देखिए, ये लिखा ना जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी यहाँ पर ओनली आर और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, ना कि उसको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो जब इतना लिखा होगा तो वो कि अपने आप ही क्या बन जाएगा, पोलर फॉर्म होगी या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होगी, तो उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया होगा। सेकेंड, अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड है जेड इक्वल टू, सॉरी थर्ड जेड इक्वल टू नहीं, थर्ड क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें हम जेड को ऐसे लिखते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा, और एक चीज़ और बता माइंड में बिठा लीजिए, ये एक यूलर फॉर्म भी है, यूलर फॉर्म, ये यहीं बता रहा हूँ आगे, ताकि यूलर फॉर्म क्या होती है कि ई की आयोटा थीटा, इसको आप ये लिख सकते हो कि कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और अगर लिखा है ई की माइनस आयोटा थीटा तो थीटा की जगह माइनस आ जाएगा, कोस माइनस थीटा, फिर प्लस में आयोटा साइन, यहाँ पर भी माइनस थीटा, यहाँ पर भी माइनस थीटा, ये हमें पता है कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, यानी इसको मैं ये लिख दूँ तो कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, ये है यूलर फॉर्म, तो इतनी, लेकिन इससे हम ये भी बना देते हैं ये वाला ई की माइनस आयोटा थीटा को भी, तो ये याद रखिए ई की पावर आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आर और थीटा वही चीज़ है जो पहले थी, आर क्या है, आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, एंड व्हाट अबाउट थीटा, थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो कुछ कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक फॉर्म दिया आपको उससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे ये मैंने बताया एक तो यहाँ कार्टिजन फॉर्म थी, कार्टिजन फॉर्म से पोलर फॉर्म लिख दिया, ठीक है, अब इसी को ही अगर ये जेड ये जो था 1+आयोटा प्रीवियस क्वेश्चन से अगर मैं लूँ, जैसे एग्जाम्पल वही ले लें, कि जेड इक्वल टू है 1+आयोटा, तो इसको अगर मैं पोलर इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी आर इंटू ई की आयोटा थीटा, आर की वैल्यू तो रूट टू ई की पावर आयोटा पाई अपॉन फोर, ये हो जाएगी हमारी ये कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आगे, अब एक तो देखो कन्वर्जन पे क्वेश्चन बनते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिखिए, इसको इस फॉर्म में लिखिए,
तो एक तो उस तरह ही क्वेश्चन है हमारे पास। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसी पे। या क्वेश्चन करने से पहले देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये यहीं से क्लियर होगा हमारे, लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे लेट जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा है ना, तो लॉग, जैसे जेड को पहले एक्स प्लस आयोटा वाई लिखते हैं। देखो जेड को लिखा मैंने, जेड को लिखा एक्स प्लस में आयोटा वाई, ठीक है, और इस एक्स प्लस आयोटा वाई को फिर मैंने ऐसे लिख दिया आर इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा। यानी ये तो कौन सी फॉर्म हो गई, कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब अगर मैं लॉग लूँ तो देखो, लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू दोनों साइडों में लॉग आर इंटू में ई की पावर आयोटा थीटा, तो लॉग एम इंटू एन, यानी एक ये आइडेंटिटी होती है, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस में लॉग एन, इसका यूज करें। और एक ये होती है लॉग एम की पावर एन, इन दोनों का यूज होगा। अब ये वाला एन यहां पर आ जाएगा, लॉग यानी एन लॉग एम, तो पहले तो ये इसी का यूज किया फर्स्ट का, लॉग आर प्लस में लॉग ई की पावर आयोटा थीटा, और ये आयोटा थीटा भी यहां आएगा आगे, तो लॉग आर प्लस में आयोटा इंटू थीटा। अब व्हाट इज आर, आर क्या है, आर है उसका मैग्नीट्यूड, लॉग इसकी जगह लिख दिया मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ जेड प्लस में आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स प्लस आयोटा वाई क्या था, लॉग जेड था, तो लॉग जेड इक्वल टू लॉग मोड ऑफ जेड प्लस में आयोटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मेरे को लॉग लेना है तो क्या लिखेंगे, अब इसको याद रखेंगे हम, इसको ऐसे बार बार इतना सोल्व नहीं करेंगे, इसको याद रखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग अगर लें तो क्या लिखेंगे, लॉग उसका मैग्नीट्यूड फिर प्लस में आयोटा उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर ये लिखूँ मैं लॉग वन प्लस आयोटा, तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग वन प्लस आयोटा का मॉडुलस फिर प्लस में आयोटा इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वन प्लस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा रूट टू, फिर प्लस में आयोटा इसका एम्पलीट्यूड पाई अपॉन फोर 45 डिग्री। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस आयोटा का लॉगरिथम क्या हो जाएगा, लॉग रूट टू प्लस में आयोटा पाई अपॉन फोर। तो इसके बेस पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है पहले कि कन्वर्ट फॉलोइंग्स इन पोलर फॉर्म, यानी जो नीचे लिखे हैं उनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो फर्स्ट तो है देखो माइनस का 3 इंटू रूट टू प्लस में 3 रूट टू आयोटा,
सेकेंड है माइनस वन माइनस आयोटा, फिर थर्ड है वन प्लस में सेवन आयोटा डिवाइड में टू माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ठीक है। कहा कि इनको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, चलिए इसको सोल्व करें। तो फर्स्ट को लिया मैंने, फर्स्ट जेड एग्जूम कर लिया इसको, माइनस का थ्री रूट टू प्लस में थ्री रूट टू इंटू में आयोटा ये लिखा। तो आप ध्यान से देखो तो एक्स की जगह कितना है, माइनस का थ्री रूट टू है, एंड वाई की जगह कितना, वाई की जगह प्लस का थ्री रूट टू, थ्री इंटू रूट टू। तो अगर मैं मोड ऑफ जेड लिखूँ, मोड ऑफ जेड तो कितना हो जाता है, वो होता है एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर। तो देखो माइनस का थ्री रूट टू इस पूरे का होल स्क्वेयर, फिर प्लस में थ्री रूट टू इस पूरे का होल स्क्वेयर। तो नाइन इंटू टू एटीन प्लस में एटीन दैट मीन्स 36 यानी 6। तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, देखो 6 आ गई मोड ऑफ जेड की वैल्यू। तो अब इसका एम्पलीट्यूड निकालें हम, तो एम्पलीट्यूड के लिए देखो कैसे निकालते थे एम्पलीट्यूड, उसके लिए फर्स्ट फाइंड किया टेन अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ वाई और डिवाइड में मोड ऑफ एक्स। तो टेन अल्फा वाई का मोड थ्री रूट टू, एक्स का मॉडुलस वो भी थ्री रूट टू, यानी टेन अल्फा कितना आ गया वन। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई पाई अपॉन फोर। अब आप देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, अगर मैं क्वाड्रेंट देखूं तो एक्स तो कैसा है, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो एक्स तो नेगेटिव, एक्स नेगेटिव इधर और वाई पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट की में है ये पॉइंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बताया था आपको, पाई माइनस अल्फा, ये होगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये हो गया पाई माइनस अल्फा यानी पाई अपॉन फोर, इट मीन्स थ्री पाई अपॉन फोर। और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड को हम थीटा बोलते हैं, किस में, पोलर फॉर्म में। तो अब इसको अगर मैं लिखूं तो जेड इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आर की जगह मैंने लिख दिया कितना आया था, आर की जगह देखो ये निकाल रखा मोड ऑफ जेड सिक्स है तो वो आर ही है, तो यहां पर तो सिक्स, फिर यहां पर कोस थ्री पाई अपॉन फोर, फिर प्लस में आयोटा साइन थ्री पाई अपॉन फोर, तो ये हो जाएगा हमारा जेड। अब आते हैं देखो सेकंड पार्ट पे, सेकंड था माइनस वन माइनस आयोटा, ये रहा ना सेकंड। तो सेकंड पार्ट जेड इक्वल टू माइनस वन माइनस आयोटा, इट मीन्स एक्स की जगह तो माइनस वन है और वाई की जगह भी माइनस वन है। तो अगर एक्स की जगह माइनस वन है तो फिर मोड ऑफ जेड अगर निकालें तो वो तो हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, रूट टू आ गया ये। तो फिर टेन अल्फा निकालें, टेन अल्फा मोड ऑफ वाई अपॉन में मोड ऑफ एक्स, तो वन अपॉन वन, तो अल्फा आ गया पाई अपॉन फोर। अब देखो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं, कैसे पता लगा, ये लिखा हुआ देखो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था, माइनस का पाई माइनस अल्फा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये क्या बन गया, माइनस का पाई फिर माइनस का पाई अपॉन फोर, दैट मीन्स माइनस का थ्री पाई अपॉन फोर, ये थीटा हो गया और ये आर हो गया। तो जेड क्या बन गया, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो आर की जगह रूट टू, फिर कोस माइनस का थ्री पाई अपॉन फोर, फिर प्लस में आयोटा साइन माइनस का थ्री पाई अपॉन फोर, ये हो गया हमारा सेकंड को, सेकंड की पोलर फॉर्म। अब आते हैं पार्ट थ्री पे, थर्ड पार्ट में वन प्लस सेवन आयोटा डिवाइड में टू माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट जेड इक्वल टू वन प्लस सेवन आयोटा डिवाइड में
टू माइनस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू, पहले देखो इस होल स्क्वायर को ओपन किया तो फोर प्लस में आयोटा स्क्वायर, फिर माइनस में फोर आयोटा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, फिर माइनस का टू ए बी, तो वन प्लस में सेवन आयोटा, फोर फिर माइनस वन, फिर माइनस का फोर आयोटा, तो ये बन गया वन प्लस सेवन आयोटा डिवाइड में थ्री माइनस फोर आयोटा। अब देखो डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया ना, तो इसको अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, थ्री प्लस फोर आयोटा डिवाइड में भी थ्री प्लस फोर आयोटा, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो देखो कितना बन जाएगा, पहले ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, इस वन को किया थ्री प्लस फोर आयोटा से, तो थ्री प्लस फोर आयोटा, अब सेवन आयोटा को इससे किया तो ट्वेंटी वन आयोटा, फिर डिवाइड प्लस में माइनस का, ये प्लस का ट्वेंटी एट, फिर आयोटा स्क्वायर डिवाइड में नाइन, माइनस में सोलह, फिर आयोटा स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो थ्री और माइनस का ट्वेंटी एट, थ्री प्लस में ट्वेंटी फाइव आयोटा, माइनस का 28 डिवाइड में 9 प्लस 16, तो माइनस का 25 और प्लस का 25 आयोटा, फिर डिवाइड में 25, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा, ये आया पूरा। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो ये हो गया हमारा z, माइनस 1 प्लस में आयोटा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू तो कितनी है, माइनस 1, और y की वैल्यू 1, तो मोड ऑफ जेड अगर निकालूं तो कितना आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो रूट टू आ गया ये तो, और यही क्या है आर है हमारे पास। अब निकालते हैं टेन अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ वाई, तो वन अपॉन वन, तो अल्फा तो पाई अपॉन फोर आया, क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, देखो एक्स तो नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट मैं बताऊं एक्स तो नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, यानी ये वाला क्वाड्रेंट, तो इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना होता था, पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई अपॉन फोर, यानी थ्री पाई अपॉन फोर, तो फिर जेड क्या बन गया, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, तो आर आर की जगह रूट टू, फिर कोस थ्री पाई अपॉन फोर, फिर प्लस में आयोटा साइन थ्री पाई अपॉन फोर, ये हो गया हमारा पार्ट थ्री। तो ये हमने क्या किया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट वाले क्वेश्चन कर लिए, इसके तीन पार्ट थे। अब रिवर्स ऐसे हो सकता है, रिवर्स देखो आप सोचो कि सर रिवर्स भी तो पूछ सकते हैं कि पोलर फॉर्म दे दी और कार्टेशियन फॉर्म पूछ ली, तो जैसे देखो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है, जैसे जेड इक्वल टू रूट टू कोस थ्री पाई अपॉन फोर प्लस में आयोटा साइन थ्री पाई अपॉन फोर, ये दिया है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको जैसे राइट जेड यहां लिख दिया, इफ जेड इक्वल टू ये देन राइट जेड इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, तो बस जैसे ये लिखा मैंने जेड इक्वल टू रूट टू फिर कोस थ्री पाई अपॉन फोर फिर प्लस में आयोटा साइन थ्री पाई अपॉन फोर, ठीक है। तो क्या करोगे, कोस इसकी वैल्यू पुट कर दो बस, कोस थ्री पाई अपॉन फोर क्या होता है, माइनस का कोस पाई अपॉन फोर हो जाएगा ये तो, और ये प्लस का साइन पाई अपॉन फोर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट टू, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, माइनस का वन बाय रूट टू प्लस में आयोटा इंटू वन बाय रूट टू। अब अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ तो रूट टू, यहाँ पे डिवाइड में रूट टू, तो माइनस वन प्लस में आयोटा, अब रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो क्या बन गया माइनस वन प्लस आयोटा। तो देखो ये इसकी क्या बन गई, कार्टेशियन फॉर्म, ये देखो यहाँ पर हमने ये सोल्व किया था ना, ये रहा, ये निकाल रखा देखो जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा, इसी को पोलर में कन्वर्ट किया तो ये आया था ये वाला, और अब इस बार ये दे दिया हमें
कहा कि इसकी कार्टिजन बनाओ, तो कार्टिजन ये बना दिया हमने। तो सिंपली क्वेश्चन होते हैं बस ये। तो चलिए अब एक और करते हैं कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा की पावर आयोटा। अब इसको सॉल्व करें। देखो तो मैंने इसको जेड इक्वल टू आयोटा की पावर आयोटा ये मान लिया। अब देखो यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए, जब आयोटा की पावर, देखो कॉम्प्लेक्स की पावर इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी आ जाए, या फिर रियल की पावर इमेजिनरी आ जाए, या इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में लोग लेंगे। अब डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते कि भाई कौन सा रियल होगा कौन सा इमेजिनरी होगा, हमें तो पता नहीं ना। हम अगर आयोटा की पावर जैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती, जैसे नेचुरल पावर होती आयोटा की पावर, उसको तो हम निकाल देते थे 4 से डिवाइड करके, लेकिन इसको कैसे निकालें। तो इसके लिए क्या करें, लोग लेते हैं दोनों साइडों में। देखो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, तो लोग जेड इक्वल टू लोग आयोटा की पावर आयोटा। अब ये वाला आयोटा आगे आ गया, आयोटा लोग आयोटा। कैसे, लोग एम की पावर एन। देखो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको यहां बताया था, देखिए ये बता रखी ना, दिख रही होगी ये लोग एम की पावर एन, तो एन आगे आ जाएगा एन लोग एम, तो बस वही है, उसी का यहाँ पर यूज किया। ये आयोटा आगे आ गया क्योंकि ये पावर में था। अब देखो ये भी पढ़ा था हमने कि लोग जेड क्या होगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोग, ये भी पढ़ा है ना अभी कि लोग उसका मैग्नीट्यूड प्लस में आयोटा उसका एम्पलीट्यूड, ये बताया अभी। तो यहाँ पर भी मैं यही लिखूँ तो आयोटा इंटू लोग आयोटा, लोग आयोटा क्या हो गया, आयोटा का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आयोटा का मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, ठीक है, प्लस में आयोटा का एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड और मैग्नीट्यूड निकालना तो आप सीख चुके है ना। आयोटा कहाँ पर होगा, देखो अभी बताया था, सबसे पहले यही बताया मैंने आपको कि आयोटा होगा कहाँ, आयोटा इस पे होगा ऐसे, तो ये एंगल 90 बनेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया पाई अपॉन 2। आयोटा लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो आयोटा पाई अपॉन 2। इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस, तो माइनस पाई अपॉन लॉग जेड कितना आ गया, माइनस पाई अपॉन 2। लॉग को हटाएंगे तो ई की पावर माइनस पाई अपॉन 2 है ना। तो देखो रियल पार्ट ऑफ जेड वो तो यही है ई की पावर माइनस पाई अपॉन 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर पूछें तो वो कितना, वो 0 है, वो 0 हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का कि एक और क्वेश्चन, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा इस पूरे की पावर आयोटा। तो इसमें भी देखो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इस पूरे की पावर आयोटा लिख दी। अब दोनों साइडों में लोग लें, तो टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में क्या कर दिया, लोग ले लिया। तो यहाँ लिखा लोग जेड इक्वल टू लोग 1 प्लस आयोटा की पावर आयोटा, तो इसमें ये आयोटा आगे आ गया, आयोटा लोग 1 प्लस आयोटा, तो आयोटा। अब इस लोग 1 प्लस आयोटा के आगे लोग लिखा हुआ है, तो लोग कैसे लिखेंगे, लोग इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2, फिर प्लस में आयोटा इसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, पाई अपॉन 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो आयोटा लोग √2, फिर ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्केयर यानी माइनस का पाई अपॉन 4, तो ये हो गया लोग जेड। अब लोग को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा लोग √2, फिर माइनस में पाई अपॉन। अब आप सोचोगे ये कैसे लिखते हैं,
ये देखो लॉग की प्रॉपर्टी है इक्वल टू एम, इफ अगर ये लिखा हुआ है तो हम लिखते हैं एक्स को लिखते हैं ए की पावर है, इसका यूज किया है यहाँ पे, इफ ये देन ये, यानी ये जो एक्स है ना ये तो यहीं रहेगा, ये जेड तो यहीं रहेगा, यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस एक्सपोनेंशियल ई है। अब इसको तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख दिया ई की आयोटा लॉग रूट टू इन टू में ई की पावर माइनस पाई अपॉन फोर, ये हो गया जेड। अब इसमें यूलर थ्योरम लगाई, यूलर थ्योरम क्या थी, ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, इसका यूज कर लिया। देखो कोस लॉग रूट टू, ठीक है, फिर प्लस में आयोटा साइन लॉग रूट टू, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कौन है, ई की पावर माइनस पाई अपॉन फोर, तो ये हो गया जेड। तो अगर मैं रियल पार्ट लिखूं तो रियल पार्ट वो होगा जो विदाउट आयोटा होगा, तो विदाउट आयोटा तो देखो ये ई की माइनस पाई अपॉन फोर इंटू में कोस लॉग रूट टू, ये हो गया रियल पार्ट, क्योंकि वो ई की माइनस पाई अपॉन फोर ये मल्टीप्लाई भी तो होगा ना। फिर सेम इमेजिनरी पार्ट लिखें तो वो है जिसमें आयोटा होगा, ई की माइनस पाई अपॉन फोर साइन लॉग रूट टू, ये है इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने एक और क्वेश्चन करा दिया इस पर। अब देखो ये ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसके बताओ रियल इमेजिनरी, या आयोटा की पावर माइनस आयोटा के बताओ, या माइनस आयोटा की पावर आयोटा के बताओ, या फिर माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा के बताओ। तो ये सब के सब, यानी इमेजिनरी नंबर की पावर इमेजिनरी नंबर अगर है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग क्या होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, लॉग उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, फिर प्लस में आयोटा उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड। प्रूफ मैं बता चुका ऑलरेडी, ये रहा देखिए ये लिखा हुआ दिख रहा है नहीं, ये इसका प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।